कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 केस मिलने के बाद भारत के 4 राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन भारत में पाए जा रहे कोरोना के नए स्वरूप डेल्टा पर असरदार है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका की वैक्सीन फाइजर को डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कारगर माना गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक ने शुक्रवार को कहा कि डेल्टा वेरिएंट विश्व स्तर पर फैल सकता है। WHO ने कहा है कि इस वेरिएंट पर कोरोना वायरस वैक्सीन कम असरदार पाई जा रही है। हालांकि एक राहत की बात यह भी है कि वैक्सीन से मौत का खतरा कम हो जाता है और गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। पृथ्वी से 13.1 अरब प्रकाश वर्ष दूर महाविशालकाय ब्लैक होल में तूफान उठ रहा है। इससे निकलने वाली हवाएं 11 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। रिसर्चर्स की टीम का कहना है कि सूर्य से अरबों गुना बड़े ब्लैक होल से निकलने वाले इस तरह के तूफान का ये अब तक का खोजा गया पहला उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को टाइकेथन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि परंपरा और तकनीक भारत की बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीते 5 से 6 वर्षों में हैकाथॉन को देश की समस्याओं के समाधान का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके पीछे की सोच है कि देश के सामर्थ्य को संगठित करना, उसे एक माध्यम देना। कोशिश ये है कि देश की चुनौतियों और समाधान से हमारे नौजवान का सीधा संपर्क हो। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में ट्विटर इंडिया के MD मनीष महेश्वरी को आज लोनी थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ट्विटर इंडिया ने पुलिस को बताया था कि महेश्वरी वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ के लिए उपलब्ध है, लेकिन पुलिस ने मंगलवार को नए सिरे से समन भेजा है जिसमें ट्विटर इंडिया के MD को उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान पुलिस अफसरों की भिड़ंत को लेकर लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। दरअसल जब भुंतर हवाई अड्डे के बाहर से गडकरी का काफिला गुजर रहा था तो वहां 4 लेन के प्रभावित एकजुट हुए। वह केंद्रीय मंत्री से बात करना चाहते थे। इसी बात से CM की नाराजगी के बाद ASP SP में बहस शुरू हो गई। फिर बाद में थप्पड़बाजी का वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में करीब 1 साल से ज्यादा दिनों के बाद कोरोना का पॉजिटिव रेट 0 हो गया है। जी हां, मध्य प्रदेश को कोरोना के मैप में लाने वाले शहर जबलपुर में 459 दिनों के बाद एक भी कोरोना संक्रमित मरीज बीते 24 घंटे में नहीं पाया गया है। बता दें कि पिछले साल यानी 20 मार्च 2020 को प्रदेश का सबसे पहला कोरोना मरीज जबलपुर से सामने आया था। केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ताज अपने नाम कर लिया है। ऐतिहासिक जीत के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने विराट कोहली और भारतीय टीम की प्रशंसा की। न्यूजीलैंड की टीम बारिश से बाधित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराकर चैंपियन बनी है। टेस्ट क्रिकेट इतिहास के 144 साल में यह पहला मौका था जब चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नटू काका का रोल निभाने वाले घनश्याम नायक के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। मीडिया में आई खबर के अनुसार वह कैंसर से जूझ रहे हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। खबरों की माने तो अप्रैल महीने में उनके गले में कुछ स्पॉट्स पाए गए थे। लगातार तेजी के बाद आज सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना अगस्त वायदा 162 रुपए या 0.34% की गिरावट के साथ 46,910 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं गोल्ड आज 47 रुपए के लेवल को तोड़कर नीचे फिसल गया है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR Times और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।